नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि अगर आप अपने Facebook से किसी वेबसाइट या किसी ऐप पे आप साइन इन करते हैं, जैसे कई बार आप देखते होंगे कि आप किसी ऐप को प्ले स्टोर से या फिर किसी अन्य स्टोर से आप डाउनलोड करते हैं, तो वहां पे आपको कहा जाता है फेसबुक से साइन इन करने का। तो दोस्तों अगर आप किसी ऐप में या फिर किसी वेबसाइट में फेसबुक के जरिए लॉग इन किए हैं, तो आप कैसे उसे रिमूव कर सकते हैं, कैसे आप उससे लॉग आउट हो सकते हैं। साथ ही आप ये भी जान पाएंगे कि आप अब तक कितने ऐप में अपने फेसबुक के जरिए साइन इन किए हुए हैं। तो दोस्तों इसके लिए हम ओपन करते हैं अपने फेसबुक ऐप को, और फेसबुक ऐप ओपन हो जाने के बाद यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा इस तीन लाइन पे, और तीन लाइन पे क्लिक कर देने के बाद यहाँ पे नीचे की तरफ आइएगा तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा सेटिंग्स एंड प्राइवेसी, यहाँ पे आप क्लिक कीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे ड्रॉप डाउन होकर एक सेटिंग्स का ऑप्शन हमें मिलता है, तो यहाँ पे आपको सेटिंग्स पे क्लिक करना होता है। अब दोस्तों यहाँ पे आप फिर से नीचे की तरफ आते हैं स्क्रॉल डाउन करके, तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है एप्स एंड वेबसाइट, यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा एप्स एंड वेबसाइट पे। दोस्तों एप्स एंड वेबसाइट पे क्लिक कर देने के बाद यहाँ पे अगर आप क्लिक करते हैं लॉग इन विथ फेसबुक पे यहाँ पे, तो आप जितने एप्स में साइन इन किए रहते हैं, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं मैं यहाँ पे इतने एप्स में साइन इन किया हूँ, इन सभी का यहाँ पे आपको डिटेल मिल जाता है। और यहाँ पे अगर आप क्लिक करते हैं एक्सपायर्ड पे, तो यहाँ पे एक्सपायर्ड वो होता है जो ऐप को अपने आप फोन से अनइंस्टॉल कर दिए मगर आप उसमें लॉग इन हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए मैं इतने ऐप में साइन इन किया था और इन सभी ऐप को मैं अपने फोन से अनइंस्टॉल कर चुका हूँ। और दोस्तों यहाँ पे एक्टिव पे क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे अभी आप इतने ऐप में साइन इन किए हुए हैं। दोस्तों यहाँ पे अगर आप इसे लॉग आउट होना चाहते हैं, तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है टिक करने का, यहाँ पे आप टिक कीजिएगा। इसके बाद आप क्लिक कीजिएगा यहाँ पे रिमूव पे, तो इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको टिक करना होगा और यहाँ पे कुछ आपको मैसेज मिल रहा है ऑल्सो डिलीट ऑल पोस्ट फोटो, मतलब कि आप इस ऐप पे कुछ अगर पोस्ट किए रहते हैं फोटो वीडियो, तो वो सभी इनके साथ ही डिलीट हो जाएंगे। तो यहाँ पे अगर आप इसे डिलीट करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आप क्लिक कीजिएगा रिमूव, और इसके बाद आप क्लिक कीजिएगा डन। दोस्तों इस तरह से मैं अभी OLX को डिलीट किया हूँ, तो यहाँ पे OLX में मैं अगर जितने भी प्रोडक्ट को पोस्ट किया रहता हूँ वो सभी इन्हीं के साथ डिलीट हो जाते हैं, साथ ही हमारी OLX की अकाउंट भी डिलीट हो जाती है। और यहाँ पे अगर हम क्लिक करते हैं रिमूव पे, तो यहाँ पे अभी हम जितने ऐप को डिलीट किए हैं रिमूव किए, वहाँ पे इन सभी का डिटेल मिल जाता है। दोस्तों इस तरह से यहाँ से आप सभी ऐप को डिलीट कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं छोटी सी वीडियो आपके काम की होगी और आपकी हेल्पफुल होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों में व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुप में, और ऐसे ही सिंपल सिंपल वीडियो में अपने चैनल पर लेकर आते रहो तो आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अपने वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। बाय।